ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बग्गा में पोषण दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रमुख रोमा देवी के द्वारा की गई। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा जंगल से लेकर बग्गा तक पोषण पर जागरूकता रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम में एकल विद्यालय के 35 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर गाँव में जन्मी एक छोटी बेटी का भी जन्म दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। बग्गा में सुपोषण दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रमुख रोमा देवी द्वारा की गई। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा जंगल से लेकर बग्गा तक सुपोषण पर जागरूकता रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम में एकल विद्यालय के 35 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर गाँव में जन्मी एक छोटी बेटी का भी जन्म दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिससे कि लोगों में लिंग अनुपात के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। ग्राम बग्गा आचार्य अनुशर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि एकल विद्यालय के बच्चों द्वारा महिला मंडल व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर सुपोषण दिवस मनाया गया। सुपोषण का अर्थ है बच्चों को उचित आहार की जानकारी देना। बच्चों को अच्छा आहार लेने की जानकारी दी गई। साफ सफाई के लिए भी जागरूक किया गया। जय श्री राम। मैं अनु शर्मा विद्यालय ग्राम बग्गा की आचार्य हूँ। आज मेरे विद्यालय के बच्चों ने महिला मंडल सदस्यों के साथ मिलकर तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सुषमा जी के साथ मिलकर सुपोषण दिवस मनाया। सुपोषण का अर्थ है बच्चों को उचित आहार की जानकारी देना। आज हमने आशा वर्कर श्रीमती रंजना देवी, सुनील भलाड़ू, रोमा देवी तथा और भी अन्य महिलाओं के साथ मिलकर ये सुपोषण दिवस मनाया। इसमें बच्चों को अच्छा आहार लेने के बारे में हमने जानकारी दी, साफ सफाई के प्रति जागरूकता के बारे में हमने उन्हें बताया और विद्यालय के बच्चों ने बहुत सी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी की। हमारा ये कार्यक्रम एक बड़े स्तर पर होने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से ये कार्यक्रम हमें छोटे स्तर पर ही सीमित रखना पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आएगा। धन्यवाद। ग्राम पंचायत आशा वर्कर रंजना देवी ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को सुपोषण के बारे में जानकारी दी गई, जैसे कि बरसात के मौसम में बाहर का खाना नहीं खाना है, उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना है और मक्खी मच्छर से बचना है। जय श्री राम। मेरा नाम रंजना देवी है, ग्राम पंचायत जंगल की आशा वर्कर हूँ और आज हमने एकल विद्यालय बग्गा और जंगल आंगनवाड़ी सुषमा देवी की आंगनवाड़ी में हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, उसमें पोषण दिवस मनाया गया। उसमें हमने बच्चों को पोषण दिवस के पोषण आहार के बारे में बताया, जैसे कि खाना जो आजकल बरसात के मौसम में बाहर का नहीं खाना है, अपने घर का ही खाना है और साफ सुथरा उबला हुआ पानी पीना है और मक्खी मच्छर से बचना है। इसके बारे में पोषण आहार के बारे में और आजकल बरसात में होने वाली बीमारियों के बारे में हमने बताया। ग्राम पंचायत रोमा देवी ने बताया कि बच्चों को सुपोषण की विस्तृत जानकारी दी गई। बच्चों को बताया कि हमें कैसा आहार लेना चाहिए और अपने आसपास को साफ सुथरा रखना चाहिए। जय श्री राम। मैं रोमा देवी, एकल विद्यालय ग्राम प्रमुख बग्गा से। हमने आज जंगल आंगनबाड़ी और एकल विद्यालय दोनों ने मिलकर पोषण दिवस मनाया और बच्चों को पोषित आहार बारे जागरूक किया कि बच्चों को आजकल बरसात में पोषित आहार खाना चाहिए, ना कि बरसात के मौसम में इधर उधर की जो चीजें होती हैं वो खानी चाहिए। और बच्चों को जैसे गंदा पानी होता है बरसात में, उसके बारे में जागरूक किया कि बर्तन में गंदा पानी नहीं होना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। सुषमा देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि एकल विद्यालय और आंगनबाड़ी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बेटी है अनमोल के बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुषमा देवी आंगनवाड़ी केंद्र जंगल और मैंने आज एकल विद्यालय बग्गा के मैडम अनु शर्मा के साथ मिलकर पोषण दिवस मनाया, जिसमें बच्चों को हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराया और एक रैली निकाली पोषण दिवस के ऊपर। और उसके बाद हमने आंगनवाड़ी केंद्र में दो बच्चों का जन्मदिन भी मनाया और बच्चों के जन्मदिन लड़की का नाम है मिष्टी, उसका जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के मनाने के महत्व के पीछे हमने लड़कियों के लिंग अनुपात
के घटते क्रम को देखते हुए लोगों को जागरूक किया। बेटी है अनमोल के बारे में अभियान जो चला उसके बारे में जागरूक किया। धन्यवाद।